हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ अशोक लेलैंड की U3518 BS4 गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, इसका काफ़ी फ्रंट का व्यू दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों। एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर जो 3518 मॉडल दिया हुआ है, ये आपका अपग्रेड 3118 का अपग्रेड GVW के साथ आपको दिया हुआ है। सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं इसके इंजन से। जो आपको इंजन मिलेगा 180 हॉर्स पावर का इंजन मिलेगा, जो कि 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि 125 RPM के ऊपर। ये दोस्तों इंजन आपका IGR टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसके अंदर आपको एडिशनल यूरिया और एडब्ल्यू डालने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैक्सिमम टॉर्क आपका जनरेट करेगा, 660 NM का टॉर्क जनरेट करेगा, 1200 से लेकर 1900 RPM के ऊपर। अब इसे क्लच की बात कर लेते हैं। क्लच आपको 380 डायमीटर सिंगल प्लेट क्लच मिलेगा, जो कि हाइड्रोलिक क्लच बूस्टर के साथ आपको मिल रहा है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें अपन, इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, इटन गियर बॉक्स मिल रहा है आपको, काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स ऑप्शनल आपको आपको ZF का भी आपको मिल सकता है। अब इसकी बात करें फ्यूल टैंक की, फ्यूल टैंक आपको 400 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, जो पॉलीमर का बना हुआ है। अब इसके अंदर आपको कोरोजन का वगैरह कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक दिख रहा है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो आपको टायर मिल रहा है, इसके अंदर आपको फ्रंट के जो दोनों टायर है आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, जो कि मिशलिन कंपनी के दिए हुए, और जो रियर के जो टायर है आपको इसके अंदर रेडियल टायर मिलेंगे, वो भी आपको मिशलिन के। ये सब आप सब दोस्तों ये आपको ऑप्शनल में आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप इसके अंदर। जो इसके अंदर स्टेपनी दी हुई है आपको, स्टेपनी भी आपको इसके अंदर ट्यूबलेस के अंदर मिलेगी, और बाकी आपको रेडियल टायर के अंदर मिल जाएंगे। जो टायर के साइज़ देखें, टायर आपको 10R20 के इसके अंदर टायर मिलेगा, और अब दोस्तों इसकी बात करें अपन, रियर एक्सल की बात कर लेते हैं। रियर एक्सल आपको मिल रहा है हैवी ड्यूटी फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड आपको रियर एक्सल मिलेगा, जो कि इसका जो एक्सल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है आपका 8x2 रहेगा। अब फ्रंट एक्सल की बात करें अपन, फ्रंट एक्सल आपको मिल रहा है इसके अंदर, फ्रंट एक्सल में इसके अंदर आपको सिंगल स्टेरेबल फ्रंट एक्सल मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और इजीली इसको आपको इजीली आपको इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हो। अब देख इसके नीचे का व्यू दिया हुआ है दोस्तों। अगर इसके व्हील बेस की बात करूँ आपको, 6100 आपका इसका MM का आपका व्हील बेस मिलेगा, और इसके जो ग्लावर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 260 MM का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दोस्तों इसके फ्रेम के बारे में बात करें अपन, इसका जो फ्रेम का साइज़ दिया हुआ है 220.2x75x6 mm का आपको इसके अंदर का फ्रेम का साइज़ दिया हुआ है। इसके अंदर आपको 6 क्रॉस मेम्बर आपको मिलेंगे। ये आपका नीचे का व्यू दिया हुआ है फ्रंट की तरफ से। अब इसके फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें दोस्तों अपन, इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन दिया हुआ है आपका सेमी इलेक्ट्रिकल मल्टीली स्प्रिंग दिया हुआ है, और वही अगर रियर सस्पेंशन की बात करें अपन, रियर सस्पेंशन आपको मल्टीली स्प्रिंग व इक्विलाइजर लोड के लिंक रोड के साथ आपका कनेक्टेड रहेगा। ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इसके अंदर आपका ये रियर सस्पेंशन दिया हुआ है। इसके अंदर से एक टायर एक एक एक्सल के अंदर आपको बैलून सिस्टम भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपका सस्पेंशन है, ये आपका एयर टैंक दिया हुआ 4, आपका बैटरी बॉक्स दिया हुआ है, ये कवर किया हुआ है। ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू है, ये आपका कूलेंट टैंक दिया हुआ, यहाँ पे आप इजीली आप कूलेंट टॉप अप कर सकते हो। ये आपका लोगो दिया हुआ है U3518 BS4 का, यहाँ पे फुट स्टेप दिए हुए हैं, इसके अंदर आप इजीली आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका एक्सीलेटर ब्रेक क्लच दिया हुआ है। इसे एक्सीलेटर की बात करें आपको, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर मिलेगा। यहाँ पे आपका ये ड्राइवर सीट दी हुई है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिया हुआ है। डैशबोर्ड के अंदर आपको किलोमीटर मीटर, RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर, और इसके अंदर आपको प्रेशर मीटर भी आपको दिया हुआ है। अब बात करें इसके अंदर जो ड्राइवर कंट्रोल्स दिया हुआ है, यहाँ पे फैन के लिए, EDC के लिए, ABS के लिए और पार्किंग लाइट के लिए इसके अंदर आपको दिया हुआ है।
यहाँ पे आपको इसके अंदर ब्लो मिलेगा दोस्तों। एक चीज़ अच्छी चीज़ बता देता हूँ, अब यहाँ पे अशोक लैंड आपको यूट्रक के अंदर भी आपको एसी प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे आपका कंट्रोलर, यहाँ पे मोबाइल चार्जर, यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर। ग्लो बॉक्स में काफ़ी स्टोरेज एरिया काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। स्टीयरिंग सिस्टम दिया आपका, यहाँ पे हैंड ब्रेक लग रहा है आपका। इसके अंदर आपको 5 ब्लोअर मिल रहे हैं। ये आपका एनडी वाइपर स्विच, कम्युनिकेशन स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे हेडलाइट स्विच दिया हुआ है। यहाँ ऊपर भी आपको इसके अंदर आपको ग्लो बॉक्स, आपको 3 ग्लो बॉक्स आपको ऊपर भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको एलईडी लाइट मिलेगी। यहाँ पर ये आपको स्लीपर केबिन के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे आराम से ड्राइवर रेस्ट करने के लिए स्लीपर दिया हुआ है। ये आपका को ड्राइवर की सीट दी हुई है। यहाँ पर ये गियर बॉक्स दिया हुआ है जो 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा और आपको एक रिवर्स के साथ आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आपको इस चैनल ने अब तक अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर दोस्तों इस अगर गाड़ी के बारे में दूसरी गाड़ी के बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।